कॉलिंग के समय आप लोग कभी डिस्प्ले का लाइट ऑफ हो जाता है। अगर आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है ना कॉलिंग के रिलेटेड, वो आपका प्रॉब्लम 101% सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो की ओर चलते हैं और आप लोग को बताते हैं कि कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लोगों के साथ ये इशू आ रही है कि वो कॉल तो करते हैं लेकिन कॉल करते हैं तो उनका जो डिस्प्ले का लाइट है वो ब्लैक हो जाता है, यानी कि डिस्प्ले का लाइट ऑफ हो जाता है। और डिस्प्ले का लाइट जब तक ऑन नहीं होता जब तक कि कॉल को एंड ना कर दे, ठीक है। ऐसा इशू आ रही है, अगर आपके साथ ऐसा आ रही है तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का जो प्रॉब्लम है ना वो 101% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की ओर चलते हैं। तो देखिए तो दोस्तों, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आने का सिर्फ जो रीज़न है ना वो सिर्फ दो रीज़न है। पहला रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये है कि अगर आपने कोई सेटिंग की थी तब ये इशू आएगी। दूसरा रीज़न क्या है दोस्तों, जो कि 99% उसी से आती है, वो है आपकी प्रॉक्सिमिटी सेंसर। हर एक डिवाइस में प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगी होती है। अगर आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर में डैमेज आ चुका है तब ये इशू आती है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आपको मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सिंपल सा क्या करना है कि आपको सेटिंग में जाके प्रॉक्सिमिटी सेंसर को फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो क्या करता हूँ कि मेरा जो सेटिंग है ना प्रॉक्सिमिटी सेंसर का, वो मुझे डायल पैड में मिलता है। तो हो सकता है कि आप लोग का ही मिले तो आपको डायल पैड में जाना है, ठीक है। तो मैं डायल पैड में जाता हूँ। तो मैं यहाँ डायल पैड में आ गया हूँ। डायल पैड में आने के बाद करना क्या है कि आपको यहाँ पे 3 डॉट के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो आपको क्लिक कर देना है, तो मैं क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद सेटिंग का बटन है, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉल स्क्रीन सेटिंग का। तो आपको वहीं पे जाना है कॉल स्क्रीन सेटिंग पे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है टर्न ऑन प्रॉक्सिमिटी सेंसर का, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, जैसे कि मैंने पहले बोला कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर का ऑप्शन आपको फाइंड करना है, तो ये जो ये ऑप्शन है ना दोस्तों, ये आपको करना है कि बंद कर देना है। तो जैसे आप लोग इसे बंद करते हो प्रॉक्सिमिटी सेंसर स्टॉप हो जाएगा और जो भी आपके साथ इशू आ रही थी कॉलिंग के समय डिस्प्ले का ऑफ हो जाना, वो आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।